तो स्वागत है ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ पीपीएफ कोटिंग का वीडियो लेके आया हूँ। हम लेके आए टाटा हैरियर और हमारा क्या सचिन ग्राफिक्स। पहले वीडियो भी मैंने डाले थे यहाँ गाड़ी की, बहुत अच्छी तरह से जो है पीपीएफ कोटिंग हुई थी। जो भाई नई गाड़ी लेते हैं उनको गाड़ी की एक सेफ्टी चाहिए होती है, तो बेसिकली यही होता है, एक तरह से हमारी गाड़ी की लेमिनेशन वगैरह हो जाती है। तो गाड़ी की एक जो कहते हैं ना पेंट, इसको कहते हैं हमें पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, तो हमारे जो पेंट को जो है प्रोटेक्ट करती है, प्लस स्क्रैचेस वगैरह से भी बचाती है। चलते हैं भैया के पास, पूरी बात करेंगे और गाड़ी का काम अभी स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रहने वाली टाटा हैरियर। और अभी भैया क्या कर रहे हो भैया? सर ये कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कर रहे हैं सर। ठीक है, जैसे आप देखते हैं डॉट डॉटिंग पड़ जाते हैं उसमें, गाड़ी जैसे गंदी होती है, स्क्रैच पड़ जाती है। हाँ, तो इसके लिए ये कंपाउंडिंग आते हैं उसको, और वो चीज क्लियर हो जाती है। अच्छा, मतलब इसका मतलब ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर हम मान के चले किसी भाई के पास गाड़ी थोड़ी पुरानी है, साल दो साल, उसी पर्पज के लिए होते हैं। ये अपनी गाड़ी पुरानी ही है। ठीक है, तो गाड़ी को दो साल हो चुके हैं, तो गाड़ी काफी सरकम में बोल रखा था कि करवाओ करवाओ जी। तो उन्होंने क्या है, अब उनको थोड़े स्क्रैच लगने लग गए, तो उन्होंने सोच रहे हैं कि चलो अब करवा ही लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके पहले हम कंपाउंडिंग वगैरह करते थे, थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। ठीक है, उसके बाद पीपीएफ आराम से इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो देख लो कंपाउंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा जूम दिखाता हूँ आपको, देख लो। अरे बेसिकली एक तरह से स्क्रैच हट जाते हैं और प्लस स्क्रैच हट जाते हैं इससे। तो किस तरह के माइनस स्क्रैच होते हैं, डीप स्क्रैचेस भी हट जाते हैं? डीप स्क्रैचेस जैसे पेंट हट गया उसका तो कोई इलाज नहीं होता। जी जी, जैसे माइनर स्क्रैच होते हैं वो तो बिल्कुल निकाल देती है, तो पेंट की शाइनिंग एकदम बढ़िया निकल के आती है। जी जी, अभी जैसे देख रहे हो बिल्कुल ये शाइन आ रहा है। इसमें कितना क्लियर आ गया है? अच्छा, थोड़े से भैया इसे सॉफ्टनेस भी मैं देख रहा हूँ। सॉफ्टनेस इसी के लिए होता है ये। अच्छा, पानी लगा भी करेंगे। ठीक है, और सॉफ्टनेस बढ़ेगी क्या इसमें? जैसे देख सकते हो पानी का भी देख सकते हैं। ये चीज भाई, आप शाइन देखो एक बार में, पास निकल आई है जी, थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये मेरे कैमरे का भी, फोन का भी रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें। बिल्कुल एकदम सब डीप मतलब निकाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा के दिखाओ एकदम पूरा गाड़ी। वैसे पूरी कंपाउंडिंग कर चुके हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा हमारा पीछे का रह गया था डिक्की का। ठीक है, मतलब आगे का पार्ट हमारा हो चुका है, पीछे का पोर्शन रहता है। कंपाउंडिंग अंदर जैसे आपके जो डीप स्क्रैच है ना वो बहुत हल्के हो जाते हैं। ठीक है, और इससे ये है कि जैसे आपके सर में कोटिंग वगैरह करा सकते हैं। अगर आपको पीछे दिख रहा है आप सर में कोटिंग करवा सकते हैं। जैसे आपकी गाड़ी जैसे डल पड़ गई है उसका कलर भी निकल के आ चुका है। ठीक है, ये सब काम हो चुका। अच्छा, मतलब एक तरह से जैसे गाड़ी का अगर हमारे जैसे डल पड़ जाती है, थोड़ी सी पुरानी हो जाती है गाड़ी, तो कलर एक तरह से खिल के आ जाता है कंपाउंड निकल के आएगा, निकल के आ जाता है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो बिल्कुल आप शाइन वगैरह देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ शाइन अच्छी हो रही है और अच्छी खासी रिफ्लेक्शन हो रही है। देख सकते हैं आप ये क्रोम है, क्रोम भी देखिए आप किस तरह से हो गया ये। हाँ, क्रोम में भी अच्छी खासी शाइन आ रही है, ऐसे देख सकते हो रिफ्लेक्शन प्रॉपर मेरा पड़ रहा है, मतलब बिल्कुल शीशे वाली फीलिंग आ रही है, शीशा ही लग रहा है, तो ये बेनिफिट रहता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस भैया, अब इसके बाद हम इस पे पीपीएफ कोटिंग शुरू करेंगे, फिल्म चढ़ानी चालू करेंगे। ठीक है, तो अब वो स्टार्ट होने वाला प्रोसेस, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर इस पे जो हमारी पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म चलेगी। और फ्रंट साइड पे स्टार्ट हो चुका है, जैसे हम देख सकते हैं अभी फ्रंट साइड आते हैं, तो ये देख लो भैया ने स्टार्ट कर दिया है। भैया एक बात बताना, इसमें जो फिल्म की भी अलग अलग कुछ क्वालिटी वगैरह आती है क्या? कुछ क्वालिटी वगैरह थिकनेस वगैरह आती है, क्योंकि वो उस हिसाब से काम होता है। वैसे ये बेस्ट चीज है। ठीक है, इसमें भी हर चीज में हाँ जी, ये लगा लिया तो समझ लो गाड़ी आपकी प्रोटेक्ट हो ही गई। ठीक है, 80% तो गाड़ी प्रोटेक्ट है। जो माइनर कपड़े के स्क्रैच लगते हैं, हाँ, मार के जाता है, चाबी मारता है, कुछ मारता है, ठीक है, उस सब चीजों को बचाने के लिए ही होती है। तो ये लगने के बाद समझ लो अपनी गाड़ी। ठीक है, अच्छा भैया कई भाई पूछते हैं सिरेमिक कोटिंग और इसके बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? अगर सिरेमिक भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है, लेकिन वो एक लिक्विड प्रोसेस है जी, उसको भी वो भी हम करते हैं। ठीक है, बट लेकिन वो इतना कारगर नहीं जितना कि ये है। हाँ, ये बेसिकली हम बात करें तो इन शॉर्ट की एक तरह से लेमिनेशन हो जाती है हमारे घर, पूरी लेमिनेट हो जाती है। उसमें क्या है, पानी की लेयर है, जैसे पानी जैसे एक लेयर होती है वो चढ़ती है। हाँ जी, तो वो क्या है, माइनली मेरे को लगता है कि कपड़े का स्क्रैच वगैरह है और ये सब थोड़ा मोटा बचा सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल हैवी चीज है, तो ये पूरा ही प्रोटेक्ट करके दे दिया जी। तो आप देखो पहले काम क्या। हाँ, तो मतलब वही एक तरह से ऐसे कह रहे हैं ना भैया, लेमिनेट हो जाती है, एक लेयर आ जाती है हमारी गाड़ी के ऊपर, बहुत मोटी सी। ठीक है जी, और अब ये देख सकते हो भैया ने अपना जो है लगा भी दिया, सचिन ग्राफिक्स का बहुत सही लग रहा है।
तो अच्छा एक चीज मैं आपको और ध्यान लेके जाना चाहूंगा, देखो प्रॉपर जो है प्रॉपर भैया उसके ऊपर रोल रख रहे हैं और जो भी आपके गाड़ी के डायमेंशन है उसी के हिसाब से कट हो रहा है, ये नहीं कि बीच में कोई ज्वाइंट वगैरह चेपा चेपी वाला काम नहीं हो रहा भैया, इसे मैं देख रहा हूँ प्रॉपर ही आप देख सकते हो लिया गया है, रोल को ऊपर रख के कट किया जा रहा है, जो भी आपके गाड़ी के मेजरमेंट है जो भी डायमेंशन है उसी का ध्यान रख के जो है काम किया जा रहा है। आप ही के सामने देखो मैं सारा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, जैसे तो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये निकल आई हमारी पीपीएफ फिल्म। It sound right, boys. तो ये वाली साइड हमारी हो चुकी है प्रॉपर, इस पे पीपीएफ फिल्म चढ़ चुकी है, आप शाइन देख सकते हो, प्लस टच करके सॉफ्टनेस फील हो जाती है, पता चल जाता है भाई इस पे जो है कुछ ऊपर हुई हुई है लेमिनेशन टाइप। बाकी आप ये पीछे वाली साइड देख सकते हो, पीछे वाली साइड भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये साइड प्रॉपर अंदर एडजस्ट की जा चुकी है जैसे आप देख सकते हो, तो फिनिशिंग का भी साथ साथ ध्यान दिया जा रहा है, इधर थोड़ा सा एडजस्ट करना भी रहता है, यहाँ शायद ब्लेड वगैरह कट करके जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके अंदर डालेंगे, बाकी ये वाला एरिया पूरा हो चुका है। भैया नीचे वाले एरिया की बात करते हैं, जैसे अभी नीचे नहीं हुआ ना, अभी नीचे भी सॉफ्टनेस नहीं है, तो एक तो शाइन भी मैं देख रहा हूँ शाइन भी बढ़ जाती है इससे, शाइन बढ़ जाती है और थोड़ी ना अगर छू के देखे तो चिकनाहट सॉफ्टनेस टाइप आ जाती है, और अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो इस साइड अभी हमारा जो है रहता है काम होना, हमारा ये हो गया। हाँ भैया ये अभी साफ होंगे ना, ये थोड़े से थोड़े से निशान है ये, अच्छा ये भी अब क्लीन करोगे, ये थोड़े क्लीन हो जाएंगे कपड़े से, जैसे हमने आगे फ्रंट बम्पर पे दिखाया था वैसे इस पे क्लीन होंगे पूरे, ठीक है। तो ये वाली साइड अपनी जो है रहती है, अगर हम इधर की बात करें तो इधर वाला काम हो चुका है और इधर अभी काम रहता है, तो ये सारा जो है काम चल रहा है अभी। इस साइड भी जैसे अभी हमारे पहले क्या हो गए थे भैया, कौन सा प्रोसेस होता है सर? कंपाउंड होता है, कंपाउंड के बाद क्या नाम है ये, हाँ पैड लगता है, पैड लगता है, ठीक है जी। इसमें जैसे इसमें एक शाइन वगैरह जो हम कह रहे हैं या स्क्रैचेस वगैरह भी जैसे भैया बता रहे हैं हो जाते हैं कंपाउंड से, उसके बाद जैसे कि थोड़ी डॉटिंग बसती है तो वो इससे स्किलर पैड से हट जाता है। अच्छा डॉटिंग इन द सेंस की जैसे हमारी गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी होती है जो डॉट हो जाते हैं वो रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है वो चीज रिमूव हो जाती है, अंदर ये डॉटिंग वगैरह चलती नहीं है। अच्छा क्लीन करके फिर पीपीएफ लगता है ये, जो मतलब बॉडी हम बिल्कुल हम क्लीन करते हैं उसके बाद इस पे हम जो पीपीएफ लगाते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो। उसके अलावा इस साइड जो मैं देख पा रहा हूँ कि भैया यहाँ पे पीपीएफ लग चुका है हमारा ना, हो चुका है, आप शाइन देख सकते हो, एक तो शाइन बढ़ जाती है उसके बाद सॉफ्ट हो जाता है, तो ये दो निशानी होती है पीपीएफ की, एक तरह से हमारी गाड़ी जो है मैंने पहले बताया था लेमिनेट हो जाती है। तो ये देखिए सर, अच्छा उस साइड हमारा हो, ये देखो आप हो जाता है, ये देखो आप तो एकदम ही जैसे कह रहे हो ना गाड़ी हमारी चमक गई। तो खास करके हम ये प्रोसेस उस गाड़ियों में अप्लाई करते हैं जैसे गाड़ी जो थोड़ी पुरानी हो जाती है, अगर बिल्कुल जैसे कई शोरूम से निकली गाड़ी आती है उनमें जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि बिल्कुल उसमें क्या नाम है हल्का सा साफ करके क्लीन पैड लगा के आप पीपीएफ लगा सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो आपका क्या नाम बता रहे कंपाउंड का, ये जो सेरामिक कोटिंग होती है ये आप पुरानी गाड़ी पे करवा सकते हैं, आपकी पुरानी गाड़ी डल होती है ना उसकी चमक निकल के आ जाती है, मतलब जो उसका पेंट होता है वो निकल आएगा। तो ये देख लो ये सारा अब यहाँ पे भी हमारी जो है पीपीएफ चढ़ेगी और इस साइड चढ़ चुकी है। एक बार थोड़ा सा भैया डोर बंद कर देना तो मैं एक डिफरेंस दिखा सकता हूँ,
ये आप देख सकते हो, शाइन में साफ साफ आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। इधर आप देखो और यहाँ पे देखो, आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो। मेरे जूते वाइट है तो साफ साफ वाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ही क्लियर आपको पता चल रहा होगा। अभी ये खाली सब क्लीन हुआ है, बट अगर हम यहाँ आते हैं ना, ये देखो आप, ये आप देखो, तो डिफरेंस आपको साफ साफ पता चल रहा है। तो मतलब एक कह सकते हैं कि पीपीएफ हम गाड़ी की शाइन भी बढ़ाने का जो है काम करती है। बाकी यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस ये भैया जैसे लास्ट डोर रहता है ना, ये हमारा लास्ट डोर रहता है, तो गाड़ी इसके बाद हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको ओवरऑल पूरा गाड़ी का काम दिखाऊंगा, ओवरऑल किस तरह से जो है गाड़ी हमारी लग रही है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये हमारा इनर पार्ट रहने वाला है, और यहाँ से जो है, और बेसिकली भैया ये जैसे लास्ट टाइम भी हमने बताया था, ये कोई बंदा कहता है ये पानी नहीं है, इसमें केमिकल वगैरह जैसे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे पीस बैठा दिया गया है, अभी उसी के हिसाब से जो हमारा हैंडल रहता है वहाँ पे कट वगैरह मारे भैया, और इसको भी पूरा एडजस्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लास्ट पीस रहता है हमारा गाड़ी में इस साइड डोर पे, उसके बाद गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, आपको ओवरऑल दिखाऊंगा। और जिनकी गाड़ी है वो भी कस्टमर यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनका भी फीडबैक लेंगे, क्या कहना उनका काम के बारे में। ये अभी ये देख सकते हो सचिन ग्राफिक्स, ये चैनल भी भैया का चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे काफी सारे जो है रैपिंग वगैरह के आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी आप ये देख सकते हो यहाँ भी लैटरिंग वगैरह को अच्छी तरह से कट किया गया है, आपको दिखा रहा हूँ। सफाई जो है, सफाई का खास करके ध्यान दिया गया, कोई भी बबल वगैरह अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप ये देख सकते हो सफाई का काफी ध्यान दिया गया। साइड पे चलते हैं, तो ये यहाँ पे जो है भैया ने 3D लैटरिंग भी की है, हेरियर की ब्रांडिंग की कर रखी है इस पे, और फिर से करीब से जाऊंगा तो आपको ये देख सकते हो। थोड़ा सा इस साइड भी आते हैं, देखो पूरी गाड़ी हमारी जो है वो रखी है प्रॉपरली, जो कि कहते हैं ये देख लो H2H कवरेज रहने वाली है, प्रॉपर काम हुआ है अच्छे तरह से, ये देख सकते हो आप। इधर आ जाओ, देख सकते हो आप। और इधर की बात करें तो मैं आपको एक ही चीज, उसके अलावा अगर आप ये देखते हो ना, यहाँ पे ये भैया ने पहले करवाई थी, रूफ भी का भी काम हो रखा है ये देख सकते हो। तो अगर आपको रूफ वगैरह भी करवानी वो भी हो सकता है। उसके अलावा ये देख लो, तो प्रॉपर मैं आपको गाड़ी जैसे मैंने आपको कहा था भी दिखाऊंगा। तो ये सारा जो है काम हुआ है गाड़ी में, सफाई के साथ काम हुआ है, यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो आप, काफी सारे वीडियोस आते रहते हैं, और जिनकी गाड़ी उनसे बात करते हैं क्या कहना है काम के बारे में। सर जैसे ये टाटा हैरियर आप लेके आओ, सर का मैं फेस से दिखा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है दिखाने के लिए। सर एक बात बताना, जैसे आपने काम करवाया है तो आप कहाँ से वैसे आपको पता चला कि गाड़ी पे मतलब इस टाइप का काम हो जाता है, या पहले भी आप कभी आ चुके हो यहाँ पे? हाँ जी, पहले तो मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, मैं तो जानता हूँ उसको खेल अच्छी तरह सचिन को, ठीक है। और मैंने पहले भी अपने ग्रुप मेंबर्स को कई गाड़ियाँ करवाई हैं, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करवाता था क्योंकि मैं खुद ही गाड़ी साफ करता था, इसलिए मुझे था। आपको इसकी रिक्वायरमेंट लग नहीं रही थी? मतलब उस वक्त लग नहीं रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर कुछ ऑफ रोडिंग वगैरह मैंने करी तो काफी स्क्रैचेस आ गए थे गाड़ी में, तो तब मुझे लगा कि अगर मैं पीपीएफ अगर करवाया होता तो शायद वो स्क्रैचेस बच जाते जी। लेकिन यहाँ लाने के बाद तो सचिन ने वो स्क्रैचेस भी निकाल दिए मेरे लिए थैंकफुली, और ये पीपीएफ करने के बाद मुझे एक्चुअली इसका अब लग रहा है वर्थ कि वाकई में पीपीएफ करवाए तो बहुत अच्छा है जी। जितना शायद वीडियो में इतना दिख नहीं रहा होगा आपको शाइन, लेकिन ये वाकई में अभी बिल्कुल आंखों के सामने ये आप देख सकते हो करीब लेके जा रहे हो, काफी ही शाइन है इसमें, और जैसे छूने में भी ना गाड़ी की चिकनाहट टाइप चीज आ गई है वो। एग्जैक्टली। तो बात करते हैं सर सेटिस्फेक्शन लेवल, क्या आप सेटिस्फाइड हो काम से सर, जो आप absolutely, 200%, 200%. थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर जरूर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मतलब गाड़ी को बनाने में मतलब लग जाते हैं आई थिंक, मतलब एक दिन मतलब कह के चले 6-7 घंटे 8 घंटे लग गए इसको आराम से, इनफैक्ट 10 घंटे लग गए हमें। अच्छा सुबह से आई गाड़ी, ठीक है। लेकिन फिर यही है कि ये एक वन टाइम है कि भाई उसके बाद फिर आपकी सेफ्टी रहती है, और ये बेसिकली खाद की सफाई है इसकी। हाँ जी, करने वाले तो बहुत सारे हैं लेकिन तरीके से जो करता है वो बहुत फर्क पड़ता है, एंड आई थिंक सचिन एक है जो बहुत वाकई में तरीक बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पे मिलेंगे सचिन भैया, जैसे भैया ने बड़ी मेहनत की और मेरे को भी काफी देर अटकाए रखा, काफी थोड़ा अटकाने के बाद रिजल्ट तो निकल गया, रिजल्ट जो निकल गया है जो जैसे जिनकी गाड़ी उन्होंने कहा है कि पहले उनको लगी नहीं जरूरत, उन्होंने अपने काफी जानने वालों को भेजा, बट अब उनको लगा है। देखो इसके अंदर ये नहीं मतलब हमने खाली वो कर दिया,
पीपीएफ के साथ साथ जब हमने गाड़ी क्लीन करके भी थ्री डी ठीक है टाइप में व्हील पॉलिश वगैरह पूरी देखो पूरी। अच्छा गाड़ी की प्रॉपर क्लीनिंग भी हुई है बिल्कुल एकदम क्लीनिंग है टायर एकदम क्लीनिंग करके दिए हैं बैकलाइट पूरी क्लीनिंग करके दिए ऊपर रूफ वगैरह पूरी। ये रूफ भी पहले जैसे बता रहे थे कि पहले आपने करके दी थी पहले इसको हाफ ब्लैक किया था ठीक है अब इस टाइम पीपीएफ हो रखी है तो पूरी गाड़ी का व्यू देखो कुछ इस तरीके ठीक है। तो बात करते हैं भैया जैसे मतलब सारी गाड़ियां आप कवर कर रहे तो इनफैक्ट टू व्हीलर भी आप जैसे हो जाता है रैप टू व्हीलर भी करते हैं फोर व्हीलर भी करते हैं सारी चीजें करते हैं ठीक है। तो किसी को भी अगर ऐसा कुछ काम कराना तो मेरा नंबर चल रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे तो आप देख सकते मुझे कॉन्टेक्ट करें मुझसे पूछें जरूरी नहीं पूरी गाड़ी कराने की जरूरत है पूरी गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है आप अपने जैसे बम्पर जैसे लग जाते हैं हमारे वो मेन मेन पार्ट करवा सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ ये जरूरी पार्ट है तो आप वो पार्ट करवा लीजिए जरूरी नहीं पूरी गाड़ी करनी है आपके मेन पार्ट जो है वो करवा लीजिए उसमें क्या सस्ते में भी हो जाता है और अपना काम भी होता है कि हमारे ये चीज ज्यादा स्क्रैच लगती है तो डर है तो मतलब कि हम बात करें तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाता है काम जरूरी नहीं की पूरी ही गाड़ी करानी पड़ेगी आपको जो पार्ट जरूर लगता है आप वो पार्ट कराइए और मुझसे कॉन्टेक्ट करिए और मेरा चैनल भी है सचिन ग्राफिक के नाम से अगर ज्यादा रिव्यू चाहिए तो ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है मेरा हाँ, मैंने पहले भी दिखाया था वो हाँ ये लोगो लगा हुआ है मेरा हाँ जी। तो इसमें आप देख सकते हैं जी और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है भैया थैंक यू ओके।